हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या कहलाती हैं? एज यू नो, जो फ्रेज होता है वो वाक्य का एक अंश होता है, एक टुकड़ा होता है। अपने आप में उसका अर्थ पूर्ण नहीं होता है, लेकिन जब वो वाक्य के साथ जुड़ जाता है तो वाक्य को एक पूर्णता मिलती है, वाक्य का पूरा अर्थ निकल पाता है। ठीक है, उसी प्रकार से फ्रेजल वर्ब होती हैं। सबसे पहले तो वर्ब इसमें जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है एक ऐसा फ्रेज जो वर्ब का काम करता हो। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब भी जो होती हैं उनका जो यदि आप अर्थ निकालोगे ना, तो जो रियल अर्थ होता है उससे एक अलग ही अर्थ निकलता है। तो ये भी जब किसी वाक्य में जुड़ती हैं तब एक तरह से उस वाक्य का रियल अर्थ हमको पता चलता है। मतलब फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं, एक तरह से जो वर्ब का काम करें और जो यदि आप उनका ट्रांसलेशन करते हो तो उससे एक अलग ही अर्थ होता है उनका। ठीक है, तो उस कुछ हम फ्रेजल वर्ब पढ़ने वाले हैं। ये बुक मैंने काफ़ी पहले ली थी फ्रेजल वर्ब वाली, और इसको मैंने एक बार ही पढ़ा है, तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों के साथ वो नॉलेज को शेयर किया जाए, ताकि आप लोग भी फ्रेजल वर्ब के बारे में जान सकें। तो सबसे